असलकुम उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे आज फिर बलूचिस्तान में जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है वो मेरे जो वी लॉग है उसका मौजू है आपको जिस तरह इलम है दो माह कबल सर्च कमेटी जो हकूमत बलूचिस्तान ने बनाई थी उस सर्च कमेटी ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए पाँच उन्होंने वाइस चांसलर जो है अपॉइंट करने हैं बलूचिस्तान की पाँच सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उसमें जो अहम यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको पता है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसिस जिसे आमतौर पर ब्यूटम्स कहा जाता है इसी तरह बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी लसबेला यूनिवर्सिटी लोरला यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए सर्च कमेटी ने वैसे तो इनके पास जो दरख्वास्तें आई थी एक सौ तीस उम्मीदवार जो थे वो सामने आए थे लेकिन सर्च कमेटी ने ज़ाहिर है जो यु, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ मॉडल एक्ट 2022 के तहत वो भी ज़ाहिर स्क्रूटनी उसकी सख्त थी जाँच पड़ताल तो सर्च कमेटी ने तीस जो उम्मीदवार है वो इंटरव्यू किए अब तीस में मेरी जो इंफॉर्मेशन है पंद्रह के नाम सर्च कमेटी ने जो जो इंटरव्यूज़ किए थे वो हकूमत बलूचिस्तान के पास जमा किए हैं लेकिन ये पंद्रह नाम गुजशत दो माह है बलोचिस्तान मीर कुदूस बिजनजो के टेबल पर मौजूद है जो सर्च कमेटी है उनके अरकान उनकी रिहायश के लिए उनकी टिकट के लिए हकूमत बलोचिस्तान ने दस लाख रुपये भी खर्च किए हैं लेकिन दस लाख रुपये साफ लोगों के लिए क्या चीज है वो कहते हैं बस ठीक है, है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बाज मजबूत वज्रा साहिबान और साथ ही अपोजिशन के अरकान ये वजराल बलोचिस्तान मीर खुद बिजिजो के पास गए और उनसे कहा कि इसमें हमारे लोग शामिल नहीं हैं जिसकी वजह से इस वक्त जो समरी है रिकमेंडेशन है चूँकि एक्ट के थे उजराल बलोचिस्तान ने और सूबाई हुकूमत ने ये पंद्रह नाम जो नाम है इनमें से पांच नाम गवर्नर बलोचिस्तान मलख अब्दुली काकड़ के पास भिजवाने हैं फिर गवर्नर साहब हायर एजुकेशन के पास भिजवाएंगे, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान से फिर नोटिफिकेशन जो है वो इशू होगा तो ये तातुल का शिकार है अठारहवीं तरमीम के बाद और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी जो मॉडल एक्ट है उसके तहत हकूमत बलोचिस्तान को और साथ ही वजीर अला बलोचिस्तान को यह इख्तियार मिला है कि वो सूबे में वाइस चांसलर्स का इंतखा कर सके ये आपको इलम है ये पहले गवर्नर के पास हुआ करता था लेकिन जाहिर है एटीनथ अमेंडमेंट जो अठारहवीं तरवी में इख्तियार मंतखब नुमाइंदों के पास गए हैं जो सरकारी उदे है प्रेजिडेंट का है या गवर्नर का है वो उहदे अब अलामती तौर पर रह गए सिम्बोलिक रह गए आइनी इखतियारूनी इतियारतज़ामी इाराशी इख्तियार ये सारे मंतख नुमांद के पास गए लेकिन मेरी इंफॉमेशन ये है कि वजराल बलोचस्तान इस वक्त बेबस है बेबस ब, बेबसी का उनको मुजाहरा नहीं करना चाहिए उनको एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए ये हमारी आने वाली जो नसले हैं बलोचिस्तान के हज़ारों तलबा तलबात के मुस्तबिल का मसला है मेरे ख़्याल में उज़राला बलूचिस्तान को इस समरी को निकालना चाहिए जो भी मेरिट पे आ रहे हैं उस हवाले से वो नाम गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवानी चाहिए ये आपको अपडेट करना था अपने मेज़बान सैद अली शाह को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़